नमस्कार, गुडविल लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बच्चों, हमने जो आपसे पहली वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद के विषय में बताया था, अब हम उस पाठ का दूसरा भाग और अपना खुद का चौथा भाग अब आपको बताएंगे। हम टॉपिक पर थे भारत में राष्ट्रवाद के कारण, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, किन कारणों से यह हल्ला फुल्ला और किन कारणों से यह विकसित हुआ या अपनाया गया। कल हमने आपसे 9 टॉपिक बताए थे, आज हम 10वें टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 10वां टॉपिक है 1928 में गुजरात के बारडोली में आंदोलन। 1928 ईस्वी में गुजरात के बारडोली तालुका में आंदोलन। यहां पर अंग्रेजी सरकार ने किसानों के ऊपर भू राजस्व अधिक लगा दिया था, जिसके कारण यहां के किसानों ने एक आंदोलन आरंभ किया जो बारडोली आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। इन किसानों की मांग थी कि जो यह अतिरिक्त कर हमारे ऊपर लगाया गया है, अंग्रेजी सरकार इसे हटा ले, जिस कारण राष्ट्रवाद के उदय में इस टॉपिक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला नंबर है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग, अर्थात 1929 ईस्वी में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, उसमें मांग रखी गई कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। अगला नंबर दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगा देने के कारण 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा आरंभ की, जो 240 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर दांडी नामक स्थान तक जाती थी। दांडी नामक स्थान पर जाकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, इसलिए यह यात्रा दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला नंबर है 1930 ईस्वी में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। 1930 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। अंबेडकर जी का मानना था कि स्वतंत्र भारत में शायद दलितों को पूर्ण रूप से उनके अधिकार न मिल पाए, इसीलिए उन्होंने इस वर्ग की स्थापना की। उनकी मांग थी कि दलितों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए,
जिससे वे अपना अलग से चुनाव कर सके, किंतु इस मांग पर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच काफी विवाद हुआ। इस विवाद ने भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नंबर है 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 1931 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापिस ले लिया था। वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए थे, किंतु वहां पर उनके द्वारा रखी गई बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिस कारण गांधी जी निराश मन से इंग्लैंड से भारत वापस आ गए और पुनः आकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। अगला नंबर है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें उनका यह उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर चले जाए। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की, किंतु यह संभव न हो सका। अगला नंबर है राष्ट्रीय आंदोलनों में भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें छात्रों, किसानों, आदिवासियों, श्रमिकों, व्यापारियों, उद्योगपतियों सभी ने सामूहिक रूप से भाग लिया और अधिक संख्या एकत्रित की, जिस कारण अंग्रेजों को यह दिखाई देने लगा कि भारत में एकता की भावना प्रबल हो रही है। ये देखकर अंग्रेजों के पांव खिसकते चले गए, क्योंकि भारत के सभी वर्ग एकजुट हो गए। उच्च वर्गों ने भी अपनी मांगों के अनुरूप आंदोलन किया, जबकि दलितों और मुस्लिमों ने भी अलग अलग तरह से अपनी मांगों के अनुरूप ही प्रदर्शन किए। भारत में ये एकता की भावना जैसे ही प्रबल हुई तो अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। अगला टॉपिक है संस्कृति का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव। इन राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ साथ राष्ट्रवाद के उदय में संस्कृति का भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहा। जैसे कि सभी ने भारत के तिरंगे झंडे को अपनाया, भारत माता की स्तुति की, राष्ट्रीय चिन्ह आदि को अपनाया, अर्थात इन सभी में सबके भाव एक समान थे, विरोधाभास किसी के मन में नहीं था। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में ये सभी कारण थे, जिस कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बच्चों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताया गया प्रत्येक पॉइंट आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रतिदिन अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहे, इसे पेंडिंग न छोड़े तथा हमारे इस चैनल को
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।